Allow nature's peace to flow into you as sunshine flows into trees. गाइज आई कांट अग्री मोर टू दिस कोट बिकॉज दांडेली में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना आई कैन टोटली रिलेट टू इट. देखिए दांडेली एक बहुत ही अंडररेटेड जगह है, ना कि फेमस है वो अपने रिवर राफ्टिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, बट वो अपने जंगल्स के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है. तो गाइज इस वीडियो में मैं अपना जंगल ट्रैक का और जो रिजॉर्ट एक्टिविटीज़ है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर अडू वेलकम टू दांडेली. देखो अगर आप एज अ टूरिस्ट इधर आओगे ना तो आपको रिजॉर्ट्स और होटल्स जो है या काफ़ी पैकेजेस ऑफर करेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहेगा. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कायाकिंग और जॉर्बिंग हमारे रिजॉर्ट पैकेज में इंक्लूडिंग था एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस. तो इनकेस आपने रिवर राफ्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर लाइक बटन के नीचे दिए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हो. रिवर राफ्टिंग करने के बाद हमको वेलकम किया था एक बहुत सा बढ़िया सा लंच के साथ. ये रहा एक रिजॉर्ट टूर. तो ये है रिजॉर्ट का एंट्रेंस और यहाँ पे आप कैंप्स में भी रह सकते हो. और ये जो राइट में दिख रहा है कॉटेज, यहाँ पर 4 पर्सन शेयरिंग पे हम रह रहे थे. तो ये रिजॉर्ट स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन था, छोटी छोटी चीज़ें बाकी थी. जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा 4 कॉटेजेस थे ऐसे, और ये उनका वॉक पाथवे है. ये दूसरा कॉटेज और ये मिलिट्री कॉटेजेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेंट्स रहते हैं ये. और ये जो है रिजॉर्ट का डाइनिंग एरिया है. और ये जो छोटा सा सर्कल देख रहे हो आप, यहाँ पे कैंपिंग और बॉनफायर किया जाता है रात को. और ये एरिया जो है जो अंदर देख रहे हो, यहाँ पे रेन डांस किया जाता है. तो रिजॉर्ट में जो है एक्टिविटीज़ आपको पैकेजेस में जो दिया जाता है वो काफ़ी सारे हैं. तो ये सब एक्टिविटीज़ होटल के या रिजॉर्ट के पैकेजेस में इंक्लूडेड रहते हैं. तो हमने बेशक रात को डांस किया, एंजॉय किया और रेन डांस किया. अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हैं तो ये सब आप बहुत ही ज़्यादा लेवल तक एंजॉय कर पाओगे. और बॉनफायर में वो चीज़ की जो हर एक फ्रेंड्स का ग्रुप करता है, हमने गेम्स खेले, हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला और हमने गोस्ट स्टोरी शेयर करी और सच में एक बहुत बढ़िया सा टाइम स्पेंड किया हमने, जो एक वेकेशन के लिए ज़रूरी होता है. तो रात को मस्त सी नींद लेकर हम सुबह उठे जंगल ट्रैक के लिए, जहाँ पर रिजॉर्ट ने हमको एक लोकल आदमी एज अ ट्रैक गाइड अपॉइंट किया था. सो गाइज इट्स संडे मॉर्निंग इन दांडेली एंड वी आर गोइंग फॉर अ जंगल ट्रैक. एंड इट्स नॉट अ ट्रैक बट जस्ट अ वॉक इन द जंगल, लाइक यू कैन सी ओवर हियर एंड मैनी नेचुरल थिंग्स यू कैन स्पॉट, नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स एंड you can spot if you are lucky hornbills and birds, different natural birds which are very beautiful. And we just spotted a squirrel which is red in color and it was very unique to see. So yeah, Dandeli is a good place to explore, but good for a weekend. So yeah, do come over here and this is really fun and this trek can take 1-1.5 hours. So yeah, we are heading back to hotel and we'll leave after then. तो यहाँ के जो जंगल्स है एकदम अनटच्ड है, एकदम रॉ है और एकदम सीरीन और काम पीसफुल वाइब्स आते हैं यहाँ से. पानी बाप रे,
बोट लाई कि नहीं घर से? क्या डुबा सकती है इसमें? सभी पानी में बैठना वहाँ पे, पर बड़ा ही गंदा पानी है, बैठना वहाँ पे पानी। ये है दांडेली का फॉरेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ है। ये हमारे गाइड है और वो हमारी टीम है जो आने के लिए नाटक कर रही थी। और ये देख रहे हो कितना हसीन नजारे है विद हमारे कैमरामैन श्रीधर पलंगे, इनसे आप रूबरू होंगे अभी। तो वो ट्रैक गाइड ने हमको एक ऐसी फेमस जगहों पे लेके जाया जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट्स है। तो हम लोग एक जगह ऐसी पहुँचे जहाँ पर पानी बह रहा था और वहाँ पर इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर था जहाँ पे हमने फिशेस भी स्पॉट करी। निकाल सकता है मेरा फोटो? नाश्ता करने के बाद रिजॉर्ट की एक और एक्टिविटी जो पैकेज में इंक्लूड रहता है वो है साइकिलिंग। तो रिजॉर्ट की साइकिल्स होती है जहाँ आप जंगल के आउटस्कर्ट्स में आप साइकिलिंग करने जा सकते हैं। तो हमने बेशक वो भी किया। ये अच्छी एरिया है दांडेली, घूमने के जैसा बहुत है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिजुवेनेट पार्क, रिफ्रेशमेंट इन लाइफ, काम से बोर चुके हो तो यहाँ जरूर आना। इस केदार बसंत कैसा था एक्सपीरियंस? दो दिन बहुत अच्छा था। और खाना वाना सब 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 बढ़िया। वाटर स्पोर्ट्स कैसे लगे? वाटर स्पोर्ट्स को अरे वो तो भाई बढ़िया, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आ गया। तो कितने लोग को 10 में से क्या पॉइंट्स देगा तू दांडेली के लिए? 7.5। नीड इन लास्ट वर्ड्स टू से? पता नहीं, लास्ट ट्रिप है या नहीं, बट होप्स टू नेक्स्ट ट्रिप जल्दी ही निकले। यस, ये सच में ये ट्रिप हमारे लिए एक स्ट्रेस बस्टर था। बहुत सारे हमने ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट किए और अभी तक ये ट्रिप हमारे दिमाग को रिफ्रेशमेंट देता है। डोंट स्टॉप ट्रैवलिंग एंड डोंट एवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग नेचर बिकॉज इट इज़ रियली अ स्ट्रेस बस्टर एंड इट विल ऑलवेज सरप्राइज यू। सो विथ दैट नोट गाइज, दिस इज़ अली खान फॉर यू साइनिंग ऑफ।
please subscribe to the channel if you liked the video, and do share this with your travel mates. And thank you for watching. This is Ali Khan for you signing off. Bye bye and take care. वेलकम टू दांडेली। किधर कर लो, अली हम दिख ही नहीं रहे अली। इसलिए अली हम दिख ही नहीं रहे अली। वो बोल रहा है नहीं दिख रहा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मेरे को पसंद कर लिया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आगे आके खड़ा है वो। हाँ चलो कट कर रहे हैं ना। ए झंडे ब्रांड दिखा लो भाई ना। अली बस हाथ ऊपर मत करना। नीचे वाले हाथ ऊपर करो। वेलकम टू दांडेली।